काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 20 फरवरी के करंट अफेयर पर। देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 11 करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन एमपी पूछेंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान देखते रहिए। देखिए इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज के करंट अफेयर के PDF लिंक मिल जाएगी और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी छात्र इस वीडियो को देख के इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर से पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि 83वीं राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो देखिए इस खिताब को साइना नेहवाल ने जीता था PV सिंधु को हराकर। और अगला प्रश्न था कल के क्वेश्चन अपडेट का कि किस राज्य ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की। तो देखिए ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। और अगला था कि हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर पहुंचे, उनका क्या नाम है। तो देखिए इनका नाम है मॉरिशियो मैक्री। और अगला था कि सऊदी अरब के प्रिंस 19 फरवरी को भारत के पहले आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं, उनका क्या नाम है। तो देखिए इनका नाम है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। और देखिए अगला था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस जिले में मेट्रो की आधारशिला रखी। तो देखिए बिहार का ये जिला आपका है पटना। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि चौथा कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखिए इसको आयोजित किया गया हाल ही में हरियाणा के सोनीपत में। और देखिए इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। और जो आपका हरियाणा का सोनीपत है यहाँ पर इसका एग्जैक्ट लोकेशन रहा, हरियाणा का सोनीपत जिले का गड़ौर। ठीक है, तो हरियाणा के सोनीपत जिले के गड़ौर में चौथा कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया इस बार। और देखिए इसकी थीम क्या रही। देखिए जो आपका ये चौथा कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन था इसकी थीम यानी कि इसका विषय रहा एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री बिजनेस एग्री एलाइड अ प्रॉमिसिंग सेक्टर एंड एग्री सर्विसेज डायरेक्ट मार्केटिंग। तो देखिए किसी भी सम्मेलन के बारे में चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला कि कौन से क्रम का ये सम्मेलन था जो इस बार आयोजित किया गया, दूसरा कहाँ पर आयोजित किया गया, तीसरा कि किसने जो है इसका उद्घाटन किया, और चौथा इसकी थीम क्या रही। तो ये चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए इस बार जो चौथा कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन हरियाणा के सोनीपत में हरियाणा के सोनीपत के गड़ौर में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन किया भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने। और इसकी थीम रही एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री बिजनेस एग्री एलाइड अ प्रॉमिसिंग सेक्टर एंड एग्री सर्विस डायरेक्ट मार्केटिंग। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा और उसको नोट भी कर लिए। और देखिए दूसरा प्रश्न है कि कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 का खिताब किसने जीता। तो देखिए जो आपका कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 का खिताब है इसको जीता है एलिस मर्टेंस ने। और देखिए जो आपकी एलिस मर्टेंस हैं ये आपकी जो है बेल्जियम की टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने रोमानिया की सिमोना हालिप को 3 सेटों तक चले कड़े मुकाबले में 3-6, 6-4, 6-3 से हराकर कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 का खिताब जीता है। और देखिए एक विशेष बात यह है कि जो आपकी एलिस मर्टेंस है जो कि बेल्जियम की टेनिस खिलाड़ी हैं ये जो है यानी कि कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 का जो खिताब है ये इनके करियर का 5वां खिताब है। तो ये खास बातें आपको याद रखनी है। और देखिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में ईरान ने अपने किस पहली सेमी हैवी मिसाइल लेस पनडुब्बी का अनावरण किया है। तो देखिए इस पनडुब्बी का नाम है फतेह। और देखिए फतेह का मतलब क्या होता है, देखिए फतेह जो है एक फारसी भाषा का शब्द है और फतेह का अर्थ होता है जीत। ठीक है, और ये पनडुब्बी कुछ इस प्रकार से दिखती है। और देखिए अभी हाल ही में इसका अनावरण जो है ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने किया है। और देखिए एक विशेष बात और आपको याद रखनी है, देखिए फतेह नाम का ये सेमी हैवी मिसाइल लेस पनडुब्बी है ईरान का, इसको ईरान ने खुद बनाया है यानी कि ये ईरान का स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है। और देखिए जो ये आपका पनडुब्बी है फतेह, इस पर जो है सतह से सतह पर मार करने वाली ऐसी मिसाइलें लगी हैं जिनकी मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर तक है। यानी कि ये सभी मिसाइलें जो हैं इस क्षेत्र में इजराइल और अमेरिकी सैन्य अड्डों तक पहुंचने में समर्थ हैं। तो ये खास बातें आपको याद रखनी हैं, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि फतेह जो है ये ईरान का, ठीक है, ईरान का पहला सेमी हैवी मिसाइल लेस पनडुब्बी है जिसको ईरान ने खुद बनाया है। और ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, देखिएगा आपको सारे एग्जाम में जो है ये प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इसको अभी नोट कर लिए कहीं अलग से। और देखिए अब थोड़ा सा हम ईरान के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान की मुद्रा है ईरानियन रियाल और ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। और देखिए ईरान जो है अगर दुनिया के नक्शे में आप देखेंगे तो ईरान जो है कुछ इस स्थान पर आपको दिखेगा, ठीक है। और देखिए चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को कितने 1000 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है।
तो देखिए ये अमाउंट आपका है 28,000 करोड़ रुपए। तो फिर से बता देता हूँ, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में केंद्र सरकार को टोटल 28,000 करोड़ रुपए का लाभांश देने की घोषणा की है। और देखिए एक खास बात और है, देखिए इससे पहले भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल मार्च 2018 में जो है सरकार को 10,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश दिया था। और देखिए ये लगातार दूसरा साल है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सरकार को लाभांश दे रहा है, ठीक है। तो इस बार का अमाउंट है 28,000 करोड़ रुपए और पिछले साल जो है 10,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को। तो इसको आपको याद रखना है, ये अमाउंट एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को। और देखिए जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्य समूह गठित करने का निर्णय लिया है। तो देखिए ये देश आपका है मोरक्को। तो फिर से बता दूं कि हाल ही में भारत ने मोरक्को के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्य समूह गठित करने का निर्णय लिया है। और देखिए इस संयुक्त कार्य समूह में सीमा पार से आतंकवाद, आतंकी वित्त पोषण और आतंकवादियों की भर्ती से निपटना शामिल है। और देखिए एक खास बात है कि जो भारत की विदेश मंत्री ये 3 देशों की विदेश यात्रा पर हैं और ये 3 देशों की विदेश यात्रा पर 4 दिनों के लिए गई हैं और ये देश आपके हैं बुल्गारिया, मोरक्को और स्पेन। तो इन देशों का नाम भी एग्जाम में पूछा सकता है, एक अलग से प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि फरवरी 2019 में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किन 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर गई। तो ये 3 देश आपके हैं बुल्गारिया, मोरक्को और स्पेन। और देखिए छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत सरकार की ओर से ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर सम्मान स्वीकार किया है। तो देखिए ये देश आपका स्पेन है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भारत की विदेश मंत्री अभी हाल ही में 3 देशों की यात्रा पर गई थी और इसमें आपका स्पेन भी शामिल है। तो स्पेन के दौरे पर जब ये गई थी भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, तो वहाँ पर इनको जो है भारत सरकार की ओर से स्पेन सरकार का जो है प्रतिष्ठित सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर दिया गया। और खास बात यह है कि जो आपका ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर सम्मान है ये किस लिए दिया गया है, देखिए सिविल मेरिट का ये सम्मान जो है स्पेन का, ये भारत सरकार को अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के दौरान टोटल 71 स्पेनिश नागरिकों को बचाने के लिए दिया गया है। तो ये खास बातें आपको याद रखनी है। और सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश 18 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 72वां सदस्य देश बना। तो देखिए ये देश आपका है अर्जेंटीना। तो फिर से बता दूं कि अर्जेंटीना जो है ये 18 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 72वां सदस्य देश बना है। और देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसको हम करते हैं अंग्रेजी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस और शॉर्ट में कहते हैं ISA। और देखिए जो आपका ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी, इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में की गई थी। और देखिए एक खास बात और है, जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका मुख्यालय है ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में। और देखिए अब थोड़ा सा हम अर्जेंटीना के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए अर्जेंटीना जो कि 72वां सदस्य देश बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ये जो है आपका एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं मारिशियो मैक्री जो कि हाल ही में भारत की विदेश यात्रा पर आए थे। और अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनर्स आयर्स, अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीनी पेसो। और देखिए आठवां प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वित्त वर्ष 2019-20 में किस देश से 30 लाख टन कच्चा तेल खरीदने के लिए टोटल $1.5 अरब के वार्षिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। तो फिर से बता देता हूँ आपको, देखिए जो भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसने जो है वित्त वर्ष 2019-20 में अमेरिका से जो है टोटल 30 लाख टन कच्चा तेल खरीदने के लिए टोटल $1.5 अरब के वार्षिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। और देखिए ये समझौता जो है ये आगामी वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा। तो 2019-20 का जो वित्तीय वर्ष होगा इससे जो है ये समझौता लागू हो जाएगा। और देखिए एक खास बात और आपको बता दूं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दुनिया में नंबर 1 कच्चे तेल का उत्पादक कौन सा देश है वर्तमान में। तो देखिए अभी मैं करेंट डाटा आपको बता रहा हूं कि वर्तमान में जो आपका अमेरिका है, ठीक है, ये दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसको याद रखिएगा। और देखिए अब थोड़ा सा हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में बात कर लेते हैं जिसने ये समझौता किया है। देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन हैं संजीव सिंह। और जो आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को महाराष्ट्र राज्य सरकार के शिव छत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो देखिए अभी हाल ही में स्मृति मंधना को जो है, ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, तो स्मृति मंधना जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इनको शिव छत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। और जो आपका ये शिव छत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार है, ये महाराष्ट्र राज्य सरकार का जो है पुरस्कार है, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य सरकार जो है ये हर साल वितरित करती है क्रीड़ा यानी कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को। और देखिए जो आपकी स्मृति मंधना, इनके साथ साथ एक और व्यक्ति को जो है शिव छत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। देखिए स्मृति मंधना के साथ साथ मल्लखंब के मशहूर कोच जो हैं, जिनका नाम है उदय देश पांडे, तो उदय देश पांडे को भी इस साल जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार का शिव छत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार दिया गया है। और देखिए महाराष्ट्र के राज्यपाल जो आपके हैं सी विद्यासागर राव जी, इन्होंने राज्य के यानी कि महाराष्ट्र के खेल मंत्री विनोद तावड़े की उपस्थिति में ये पुरस्कार जो है वितरित किए हैं स्मृति मंधना को, और जो आपके मल्लखंब के मशहूर कोच हैं उदय देश पांडे हैं इनको। और मल्लखंब क्या होता है अभी इसके बारे में आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी हाल ही में एक आयोजन भी हुआ है मल्लखंब का। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए कि किस देश ने मल्लखंब विश्व चैंपियनशिप 2019 जीता है। तो देखिए जो भारत देश आपका है, इसने जो है मल्लखंब विश्व चैंपियनशिप 2019 जीता है। और देखिए एक विशेष बात है कि जो आपका ये मल्लखंब विश्व चैंपियनशिप 2019 है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए इसका आयोजन जो है ये सेंट्रल मुंबई में शिवाजी पार्क में किया गया था। और देखिए सबसे विशेष बात है कि इसमें टोटल 15 देशों ने हिस्सा लिया, यानी कि जो आपका ये पहला विश्व मल्लखंब चैंपियनशिप 2019 है जो कि शिवाजी पार्क सेंट्रल मुंबई में आयोजित किया गया था। इसमें टोटल 15 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये देश कौन कौन से हैं, देखिए ये देश आपके हैं स्पेन, जर्मनी, चेक गणराज्य, इटली, अमेरिका, ईरान, नॉर्वे, इंग्लैंड, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, वियतनाम, बहरीन, और जो आपका भारत है ये मेजबान देश था, तो भारत भी इसमें सम्मिलित था। तो टोटल 15 देशों ने जो है मल्लखंब विश्व चैंपियनशिप 2019 में पार्टिसिपेट किया था, जो कि पहला मल्लखंब विश्व चैंपियनशिप था जो कि भारत में सेंट्रल मुंबई में शिवाजी पार्क में आयोजित किया गया था। ये विशेष बात आपको याद रखनी है सरल शब्दों में। और देखिए एक खास बात और है, भारत ने स्कोर कितना किया था, देखिए भारत ने टोटल 244.73 अंक बनाकर टीम चैंपियनशिप जीती इस बार। और देखिए सिंगापुर जो है ये 44.45 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, मलेशिया जो है आपका 30.22 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहा। तो पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन देश रहे, देखिए पहले स्थान पर आपका भारत रहा, दूसरे स्थान पर सिंगापुर रहा, और तीसरे स्थान पर आपका मलेशिया रहा। तो ये क्रम भी आप नोट कर लिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखिए मल्लखंब क्या होता है आपको को थोड़ा सा तस्वीर देखने पे जो है पता चल जाएगा। देखिए एक ऐसे ही खंभा बना होता है, और इस खंभे पर लटक के जो है शरीर अपना तोड़ते मरोड़ते हैं, जो आपके जिम्नास्ट टाइप, मतलब समझ लीजिए जिम्नास्ट टाइप का ये प्रतियोगिता होता है। तो इसमें जो है ये खंभे पे और रस्सियों पे लटक के अपने शरीर को तोड़ते मरोड़ते हैं। ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में, आपको इमेज देख कर पता चल गया होगा कि मल्लखंब क्या होता है। और देखिए 11वां प्रश्न आपका है कि 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव यानी कि 14th इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया। तो देखिए इसका आयोजन जो है आपका जैसलमेर में आयोजित किया गया, और जैसलमेर आपका जो है राजस्थान का एक शहर है। तो राजस्थान के शहर जैसलमेर में 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव यानी कि 14th इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया हाल ही में। और देखिए जो आपका ये रेगिस्तान महोत्सव है, ठीक है, जो कि अभी हाल ही में जैसलमेर में किया गया, यहाँ पर कौन कौन से इवेंट होते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार का माहौल वहाँ पर दिखता है। और यहाँ पर जो है मिस्टर डेजर्ट, सुसरी, मूमल और कई सारी प्रतियोगिताएं होती हैं इसके अलावा भी, और साथ ही मूछों की प्रतियोगिताएं होती हैं, मतलब कितनी बड़ी आपके पास मूछें हैं। तो थोड़ा सा आपको तस्वीर दिखा देता हूं, देखिए ये आपके जो है ताऊ जी हैं कि मूछें देखिए कितनी बड़ी हैं। तो कुछ इस प्रकार के कंपटीशन यहाँ पे आयोजित होते हैं, और साथ ही आपका जो है संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शन भी होते हैं, पगड़ी बांधने का कंपटीशन भी होता है, और अन्य कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस महोत्सव की खास बातें होती हैं, आपको ये सभी चीज़ें दिमाग में बनाए रखनी है। लेकिन सबसे पहले रखना है कि 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव आपका जो है राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया, और कुछ इस प्रकार के इवेंट वहाँ पे हुए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर। अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी को फुटबॉल दिल्ली द्वारा पहले फुटबॉल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनका नाम बताइए जल्दी से। और देखिए अगला प्रश्न आपके लिए कि भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है, तो इनका नाम बताइए। इनके बारे में कल मैंने बहुत ही डिटेल बताया था। देखिए कल मैंने टोटल 15 करेंट अफेयर बताए थे, और 15 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार जिसका नाम है मार्टिन एनल्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम बताइए कौन से व्यक्ति हैं ये।
और देखिए अगला प्रश्न आपके लिए कि सिंपलिसिटी एंड विजडम पुस्तक किसने लिखा है, तो इनका नाम बताइए किसने लिखा है सिंपलिसिटी एंड विजडम को। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। कल का वीडियो देखकर आप रिवाइज कर लीजिएगा कल के सारे करंट अफेयर को, और देखिए वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो इन दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप और फेसबुक पेज की भी लिंक मिल जाएगी। तो इन सभी को क्लिक करके जो है आप इन सबको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।